इस वक्त हम मौजूद हैं दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर, जो दिल्ली पटियाला हाईवे पर है। आज किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान है। इसी के चलते आज जो हरियाणा पुलिस ने रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ और तमाम जो है अन्य सुरक्षा एजेंसियां हैं, उन्होंने डेरा डाला हुआ है। सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। देखिए, आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे किस प्रकार जो आंसू गैस छोड़ने के लिए एक वाहन जो है यहाँ पर तैनाती की गई है। बॉर्डर की तरफ इसका रुख है। पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है। यहाँ अगर आप तस्वीरों में देखेंगे, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा सीआरपीएफ के जवान हैं, हरियाणा पुलिस के जवान हैं, तमाम अन्य सुरक्षा एजेंसी यहाँ पर तैनात है। ठीक वो सामने जो बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है, हालांकि मीडिया की एंट्री पूर्ण रूप से यहाँ पर बैन की गई है, मीडिया आगे अलाउड नहीं है। कई तरह के जो लेयर्स जो है यहाँ पर लगाई गई है, सिक्योरिटी लेयर्स, वाटर कैनन यहाँ पर लगाए गए हैं। और ड्रोन, देखिए, ड्रोन की जो व्यवस्था है यहाँ भी की गई है। ड्रोन से लगातार निगरानी बॉर्डर के ऊपर की जा रही है। और आप पंजाब की तरफ देखेंगे तो एक पुख्ता प्रबंध अब की बार पुलिस की तरफ से किए गए हैं। सड़क पर बैरिकेड्स लगाकर, जो सीमेंट के बैरिकेड्स हैं ये लगाकर उनमें सीमेंट भरी गई है, जो पत्थर के बैरिकेड्स हैं उनको एक तरह से दीवार बड़ी बनाई गई है। और इसके अलावा कई तरह की सुरक्षा वहाँ पर की गई है, कंटीली तारें भी बिछाई गई हैं और कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। हरियाणा पुलिस का ये दावा है कि अब की बार जो है किसानों को हरियाणा के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा किसी भी कीमत पर। इसी के चलते जो कई अधिकारी हैं, आईपीएस स्तर के जो कई अधिकारी हैं यहाँ पर तैनात किए गए हैं जींद के अंदर। देखिए तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस प्रकार रोड रोलर भी यहाँ पर लगाया गया है। और देखिए ड्रोन की व्यवस्था लगातार आप देखेंगे कि ड्रोन से निगरानी, आसमान से जो निगरानी है वो भी है, प्रोटेस्टर्स की जा रही है। और लगातार जो है इसके ठीक आगे मीडिया अलाउ नहीं किया जा रहा है, मीडिया को इसके आगे। और यहीं तक जो है आप तस्वीरों में अगर आप देखेंगे, सड़क पे दोनों तरफ पुख्ता प्रबंध है। जहां तक नजर जाएगी आपको पुलिस ही पुलिस नजर आएगी। रोड रोलर यहाँ पर कई लगाए गए हैं, इस साइड भी देखेंगे और दूसरी तरफ भी देखेंगे आपको रोड रोलर दिखाई देंगे। इस रोड को जो है, जो दिल्ली पटियाला हाईवे है, दोनों तरफ से पूर्ण रूप से सील किया गया है। और देखिए वाहनों की तैनाती की गई है, रोड रोलर भी कई यहाँ पर लगाए गए हैं। यानी कि जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो किसान हैं, उनसे निपटने को लेकर पुख्ता प्रबंध अब की बार हरियाणा पुलिस की तरफ किए गए हैं, हरियाणा सरकार की तरफ से किए गए हैं। एक ये जो बॉर्डर है दाता सिंह खनौरी बॉर्डर, इसके अलावा उझाना में एक बॉर्डर लगाया गया है, नरवाना में एक जो है एक नाका लगाया गया है। कई तरह के पॉइंट बनाए गए हैं, इसके अलावा छोटे छोटे कई पॉइंट्स बनाए गए हैं। और आप देखिए तस्वीरों में आपको फिर दिखाते हैं एक बार कि किस प्रकार सड़क पर रोड रोलर तैनात किए गए हैं। यानी कि किसी भी तरह की अगर घटना होती है, ट्रैक्टर्स आते हैं, वो किस तरीके से रोका जाए। रोड रोलर की तैनाती भी यहाँ पर इसलिए की गई और कई रोड रोलर जो है मंगवाए गए हैं। इसके अलावा कई जो अन्य वाहन हैं, वज्र वाहन हैं, एंटी राइड्स व्हीकल हैं, आंसू गैस छोड़ने के लिए जो व्हीकल हैं, ये भी इनकी तैनाती यहाँ पर की गई है। ड्रोन से लगातार निगरानी हो रही है। कई स्तर की सुरक्षा यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर लगाई गई है और कई जो आला अधिकारी हैं प्रशासन के, वो लगातार जो है वो यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं। महिला टुकड़ी भी पुलिस की आप देखिए तैनाती की गई है, जो रैपिड एक्शन फोर्स में महिला जवान हैं वो भी आपको दिखाई देंगी। और आप लगातार देखेंगे बॉर्डर पर, जहाँ तक देखेंगे आपको पुलिस ही पुलिस आपको नजर आएगी। फिलहाल की बात करें तो दिल्ली कूच को देखते हुए पुलिस के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जींद से न्यूज 18 के लिए विजेंद्र कुमार।